हेलो भाई लोगों, तो कैसे हैं आप लोग भाई लोगों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की लिस्ट में हमारी सबसे मेन मेन मूवीज कौन से होने वाली है, आइए जान लेते हैं। तो भाई लोगों, सबसे पहले अपन बात करेंगे एक आई वॉन्ट टू टॉक फिल्म के बारे में। ये फिल्म रिलीज हुई थी 22 नवंबर को और ये एक इंग्लिश वाली फिल्म है और साथ में इसको हिंदी वर्जन के अंदर भी इसको बनाया गया था। तो हिंदी इंग्लिश की फिल्म है और ये 22 नवंबर को रिलीज हुई थी। तो भाई लोगों, एक दिन या 2 दिन के अंदर इस फिल्म ने कितना पैसा कमाया है, ये सभी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। साथ में अपन बात करने वाले हैं द साबरमती रिपोर्ट के बारे में कि ये फिल्म अब तक कितना पैसा कमा चुकी है। साथ में अपन बात करेंगे भाई लोगों रिलीज हुई फिल्मों के बारे में, जो कि है नाम फिल्म अजय देवगन की और उसके साथ में हाल ही में जो रिलीज हुई करण अर्जुन, बड़े पर्दे पर ये फिल्में अभी चल रही है और इन फिल्मों ने रिलीज के ऊपर कितना पैसा छाप लिया है। साथ में भाई लोगों बात करेंगे अपन भूल भुलैया और सिंघम अगेन के बारे में और उसके साथ में अपन बात करेंगे किंग ऑफ फिल्म के बारे में, जो कि साउथ की अब तक लेटेस्ट मूवी रह चुकी है। चलो भाई लोगों, उसके साथ में अपन लास्ट में बात करने वाले हैं पुष्पा 2 के बारे में। तो भाई लोगों, पुष्पा 2 के बारे में किसको किसको नहीं पता है, सभी लोग पुष्पा 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो भाई लोगों, पुष्पा 2 ने रिलीज से पहले ही छप्पड़ फाड़ कमाई कर ली है। तो भाई लोगों, जान लेते हैं इस वीडियो के अंदर सबकी कमाई के बारे में। तो आइए जानते हैं, फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई लोगों, छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि हर नए अपडेट सबसे पहले मिल सके। चलिए भाई लोगों, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं आई वॉन्ट टू टॉक फिल्म के बारे में। ये एक इंग्लिश फिल्म है भाई लोगों और ये फिल्म रिलीज हुई थी 22 नवंबर के दिन। और इस फिल्म की कमाई की बात करें भाई लोगों, तो फर्स्ट डे इस फिल्म ने मात्र 25 लाख का कलेक्शन ही किया है। तो भाई लोगों, बहुत ही कम लोगों की ऑडियंस इसमें रही है और बड़े पर्दे पर ये फिल्म जब रिलीज की गई तो इस फिल्म ने टोटल कलेक्शन की बात करें अब तक का, तो इस फिल्म का टोटल कलेक्शन केवल 25 लाख रुपए ही रहा है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अपन द साबरमती रिपोर्ट के बारे में। तो भाई लोगों, साबरमती रिपोर्ट फिल्म ने आज की कलेक्शन की बात करें भाई लोगों, आज की कलेक्शन के ऊपर 2 करोड़ का कलेक्शन इस फिल्म ने अब तक किया है, आज के दिन का कलेक्शन। इसके साथ में अगर पुराने कलेक्शन की बात करें भाई लोगों, तो 15 नवंबर को ये फिल्म रिलीज हुई थी और 15 नवंबर के बाद में अगर पिछले दिन की बात करें तो पिछले दिन इस फिल्म ने थोड़ा कम पैसा कमाया था, 1.25 करोड़ रुपए, लेकिन आज इस फिल्म ने 2 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। साथ में टोटल कलेक्शन की बात करें भाई लोगों, तो टोटल कलेक्शन इसका हो चुका है आज 19 करोड़ रुपए। और इसके बजट की बात करें तो 50 करोड़ के बजट से ये फिल्म बनाई गई थी। तो हमारे हिसाब से दूसरे सप्ताह में ये फिल्म अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है और थोड़ा बहुत अपने बजट के पास में जाने की कोशिश कर रही है। तो आपको क्या लगता है, ये अपना बजट कम्प्लीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, यानी फ्लॉप रह जाएगी या एवरेज फिल्म बन सकती है, अपनी कमेंट जरूर करें। तो भाई लोगों, नेक्स्ट फिल्म की अपन बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट फिल्म अपनी है करण अर्जुन और साथ में अपन नाम के बारे में, अजय देवगन की नाम फिल्म के बारे में भी आपको बता देते हैं। तो भाई लोगों, दोनों फिल्मों के बारे में आपको बता देता हूँ। दोनों फिल्मों ने कलेक्शन किया है फर्स्ट डे करण अर्जुन ने किया है 30 लाख का कलेक्शन। रिलीज के ऊपर 30 लाख का कलेक्शन करना बहुत अच्छी अचीवमेंट है यहाँ पे। साथ में नाम फिल्म की बात करें तो नाम फिल्म ने अभी अब तक का कलेक्शन 25 लाख का ही किया है भाई लोगों। तो सेकंड डे कलेक्शन की बात करें तो मात्र 8 लाख का कलेक्शन ही नाम फिल्म कर पाई है। तो ये इन दोनों का कलेक्शन हो चुका है और एवरेज देखा जाए तो इन फिल्मों ने रिलीज के ऊपर अच्छा खासा कलेक्शन कर दिया है बिना खर्चे के। तो भाई लोगों, अगली फिल्म के बारे में बात कर लेते हैं अपन। अगली फिल्म है अपनी भूलभुलैया। तो भूलभुलैया 3 की फिल्म की बात करें भाई लोगों, तो आज के दिन का कलेक्शन इसका बढ़ गया है और बढ़कर ये हो गया है 2 करोड़ का कलेक्शन। जी हाँ भाई लोगों, 2 करोड़ का कलेक्शन इस मूवी ने आज के दिन कर लिया। और पिछले दिन के कलेक्शन की बात करें तो पिछले दिन का 1.25 करोड़ रुपए ही था। तो आज के दिन इस फिल्म ने अपनी बढ़ोतरी की और सभी सिनेमाघरों में अभी तक ये फिल्म सभी के दिलों पर राज कर रही है। जब तक ये पुष्पा 2 रिलीज नहीं हो जाती तब तक ये फिल्म ये सभी के दिलों पर राज करने वाली है। जैसे ही पुष्पा 2 रिलीज होती है इसकी स्क्रीन बिल्कुल 0 हो जाएगी। तो भाई लोगों, तब तक तो ये बहुत अच्छा पैसा कमाएगी। इसकी टोटल कमाई की बात करें भाई लोगों, तो टोटल कमाई अब तक हो चुकी है 262 करोड़ रुपए। जी हाँ भाई लोगों, और इसके बजट की बात करें तो मात्र 150 करोड़ का ही बजट इसका बजट था। तो ये सुपरहिट फिल्म अब तक की रह चुकी है और अभी भी सुपरहिट ही है भाई लोगों। साथ में अपन बात कर लेते हैं सिंघम अगेन के बारे में। तो सिंघम अगेन की बात कर लेते हैं तो सिंघम अगेन का जो बजट था 350 करोड़ का, यानी सॉरी 310 करोड़ का बजट इसका था। लेकिन सिंघम अगेन फिल्म दिवाली के शुभ अवसर पर रिलीज हुई थी भूलभुलैया के बिल्कुल साथ में। तो साथ में रिलीज होने के कारण इसने अच्छा खासा परफॉर्मेंस तो किया लेकिन अपने बजट को अभी तक क्रॉस नहीं करवाई है। यानी कि अभी भी ये बजट के अचीवमेंट नहीं कर पाई, यानी कि अभी भी ये कहा जाए तो फ्लॉप फिल्म ही कहला सकती है। क्योंकि आज के दिन की कलेक्शन की बात करें तो मात्र 80 लाख का ही कलेक्शन ही आज के दिन कर पाई है। कल की अपेक्षा भी इसका कलेक्शन आज बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप हो चुका है। कल इसका 90 लाख का कलेक्शन था लेकिन आज इसका कलेक्शन 80 लाख का ही हो पाया है। तो ये अभी भी ड्रॉप चल रही है। चलो भाई लोगों, आगे बात कर लेते हैं अपन किंग ऑफ फिल्म के बारे में। तो भाई लोगों, किंग ऑफ फिल्म की बात करें तो किंग साउथ की फिल्म है, पेन इंडिया की फिल्म है और
अब तक की ये लेटेस्ट फिल्म केंगवा रह चुकी है। और केंगवा की कलेक्शन की बात करें भाई लोगों, तो केंगवा का मात्र 68 लाख का कलेक्शन आज के दिन का रहा है भाई लोगों। 68 लाख की कलेक्शन केंगवा ने किया है। साथ में बात करेंगे इसके बजट की, तो 350 करोड़ का इसका बजट है भाई लोगों। और बात करेंगे टोटल कलेक्शन के बारे में, तो टोटल 2 करोड़ का कलेक्शन ये अब तक कर चुकी है। 150 करोड़ का अभी भी इसको घाटा है, यानी कि अभी भी ये फिल्म फ्लॉप कहला सकती है। साथ में बात करेंगे भाई लोगों कि कल का कलेक्शन इसका कितना था, तो कल का कलेक्शन इसका 2 करोड़ का कलेक्शन था ऑल इंडिया का, ठीक है भाई लोगों। तो भाई लोगों आइए बात कर लेते हैं अपन पुष्पा 2 के बारे में, सबकी फेवरेट फिल्म जो कि रिलीज से पहले ही छप्पड़ फाड़ कमाई कर रही है। सभी बड़े पर्दों पर इसकी एडवांस बुकिंग हो रही है, और बहुत ही तगड़े लेवल पर इसकी एडवांस बुकिंग विदेशों के अंदर भी हो रही है। साथ साथ में OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर तो इसने राइट्स इतने ज़्यादा बेच दिए कि 1000 करोड़ का कलेक्शन ये OTT राइट्स के ऊपर ही कर चुकी है। और इसके बजट की बात करें वालों को, तो इसका बजट मात्र 500 करोड़ का बजट है। इसका 400 से 500 करोड़ के बजट से बनी ये फिल्म अब तक 1000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा कमा चुकी है। आज के दिन तक की बात करें तो 1200 करोड़ का कलेक्शन इसका एडवांस बुकिंग के रूप में हो चुका है। और जब ये रिलीज होगी ओपनिंग के दिन, तो RR मूवी को भी पीछे छोड़ देगी ओपनिंग के टाइम पे, यानी कि इतना ज़्यादा पैसा ये कमा सकती है। तो भाई लोगों डेली का डेली आपको अपडेट मिलता रहेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिस दिन ये मूवी मूवी रिलीज होगी सेम डे आपको कलेक्शन के बारे में भी रिपोर्ट मिल जाएगी, मूवी का रिव्यू भी आपको मिल जाएगा, साथ में आपको मूवी डाउनलोड लिंक भी मिल सकता है। तो भाई लोगों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, और मिलते हैं डेली के डेली अपडेट के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डेली।